पंचायत समिति आंधी अधीनस्थ गांव चिलपली में बस स्टैंड के समीप स्थित सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के मामले में सीएमओ द्वारा संज्ञान लिए जाने के बाद गुरुवार को आंधी तहसीलदार रमेश चंद मीणा के नेतृत्व में बेशकीमती सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जवाहरामगढ़ वन अधिकारी प्रदीप कुमार यादव के नेतृत्व में 100 पुलिसकर्मी मौके पर तैनात रहे। इस दौरान करीब 207 बीघा सरकारी सिवायचक जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। जानकारी के अनुसार चिलकली गांव में खिस्सा नंबर 479/452 की 51.81 हेक्टेयर सरकारी सिवायचक भूमि पर स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण कर रखा था। किसी जमीन पर कब्जे के मामले को लेकर अतिक्रमियों के कई बार लाठी भाटा जंग भी हो चुकी है, जिसमें दर्जनों लोग घायल हो गए थे। अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर सीएमओ द्वारा मामले में संज्ञान लिया गया। इसके बाद आदमी तहसीलदार रमेश चंद मीणा गुरुवार के दोपहर बाद पूरी तैयारी के साथ मौका स्थल पर पहुंचे, लेकिन समय पर पुलिस जाप्ता नहीं पहुंचने के कारण करीब 3 बजे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। इस दौरान 2 जेसीबी मशीन और करीब 4 ट्रैक्टरों की सहायता से अतिक्रमण को फसल और पक्के निर्माण को तोड़ा गया। प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देश के बाद अतिक्रमियों की फसलों को नष्ट किया गया। अतिक्रमण हटाने की तारीख सुनिश्चित करने के बाद रायसर थाना पुलिस ने 67 लोगों को पाबंद किया था। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई देखने मौके स्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हुई थी। इस दौरान प्रशासन ने मौके पर कार्रवाई करते हुए अतिक्रमियों द्वारा लगाए गए टीन शेड छप्पर सहित पक्के निर्माण पर भी बुलडोजर चलाया। पर यहीं पर कोई भी नोटिस नहीं आए हुए हैं और हम ही ऐसे ही मकान को डाल रहे हैं और पहले किसी ने नहीं बताया हमारे को। अच्छा, तो नोटिस नहीं दिया? और नोटिस नहीं दिया और हम नहीं सर की कहां पर जाएंगे। क्या नाम है तेरा? आपका क्या नाम है? नाम सीमा है। पिता का नाम? नानू राम। एसडीएम साहब, ये ऐसे कह रहे हैं कि हमारे को जब भी आपने कार्रवाई की है तो इसके लिए आपने नोटिस के लिए अवगत नहीं कराया गया? पूरी रिपोर्ट, पूरी कार्रवाई होने के बाद आपको? हाँ जी, सारी कार्रवाई होने के बाद किसी रूप से अवगत करा दें। अच्छा, नहीं तो डिप्टी साहब, ये इसमें इन्होंने ये कह रहे हैं कि हमारे को नोटिस नहीं दिया गया, तो ऐसा क्यों है? तो वो एसडीएम साहब, इस चीज़ के लिए तो आप नोटिस सर्टिफाई नहीं हो पा रहे हैं, मतलब इसलिए तो वो सर्टिफाई कर नहीं पा रहे हैं ना, वो तो कैमरे के बाहर से भाग रहे हैं। वो तो आप उनसे बात घूंघट ऊपर करके बोलो आप थोड़ा, या आप बोल दो भाई, आप बोल दो, आप बोल दो, आपको ये बोल, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, आपको अगर, अरे बात तो सुनो, ये प्रधानमंत्री आवास के लिए बना होने, वही उसी के लिए बोलना है आपको। आप प्रधानमंत्री आवास पीछे मिले थे? अच्छा, कितने थे? और कोई भी कोने टाइम पास करे, घर बनाया था, जड़ में बाग था।